नासा वाले बहुत खतरनाक है। उन्होंने 2022 में पूरी दुनिया से छुपा के एक सीक्रेट मार्स मिशन किया था। अभी एक नया शो स्टार्ट हुआ है लोग अब, जिसको आप बिग बॉस का एक सस्ता कॉपी भी बुला सकते हो। बहुत ही फेमस कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एवरी मास्टरपीस हैज अ चीप कॉपी। वो बात अलग है कि बिग बॉस भी एक मास्टरपीस नहीं है। सही बात है। बस उसी को ध्यान में रखते हुए लोकअप शो भी बनाया गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोगों में होस्ट कंगना रनावत कर रही है, जिनको ये शो के लोग इज्जत देते कम और लेते ज्यादा है। Rather talk about somebody else but not about yourself. But then you also talk about Alia Bhatt, no? You have to make your own controversy. Okay, then why do you talk about Gangubai film? Is that your controversy? अरे दीदी ये ट्विटर नहीं है, ये टीवी शो है, यहाँ पे तो थम जाओ। नेक्स्ट है हमारे पूनम जी। अरे ये शशि पूनम नहीं यार, पूनम पांडे, दोनों का काम सिमिलर है, दोनों बॉडी दिखा के फेमस हुई है, तब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्या आप मानती हैं कि आप एडल्ट फिल्में बनाती हैं और उनको प्रमोट करती हैं? जो लोग पूनम पांडे जी का ओनली फैन वाला सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए, उनके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी आया है, वो अब फ्री में इनका शो देख पाएंगे। ऑल थैंक्स टू एकता मैम। मैंने आज तक जितने वीडियोस बनाए हैं या फिर जितने फोटोज मैंने क्लिक किए हैं, आई हैवंट ब्रोकन एनी लॉ। अरे मैडम, लॉ टूटे तो टूटे, बट हमारा दिल नहीं टूटना चाहिए, इसका आप ख्याल कीजिएगा। करणवीर पर जनता ने ये आरोप लगाया है कि ये एक एक्सपीरियंस रियलिटी शो लूजर बन चुके हैं। भाई का तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई भी आके इनका बुंड मार के चला जाता है। विश्वास नहीं होता तो इस रिपोर्टर को ही देख लो। करंदर, अरे सियाज में है, गरीब गरीब लिख रहे ये। No God, no God, please no। कुश्ती के अखाड़े में उन्होंने दिमाग का सदुपयोग करके बहुत सारे मेडल्स जीते, लेकिन जब राजनीति के अखाड़े की बात आई तो उन्होंने दिमाग का सही उपयोग नहीं। अरे कंगना दीदी, वो जैसी भी आपसे ज्यादा दिमाग वाली है, कम से कम वो एक्चुअल में लड़ाई करती है, आपके जैसे वर्चुअल में नहीं। म्यूजिक अंजलि एक इन्फ्लुएंसर, लेकिन लोगों का इन पर ये आरोप है, ये किस चीज की इन्फ्लुएंसर है कोई नहीं बता। घरवाली बेइज्जती कंगना दीदी, आप हमारी मुंह की बात छीन ली, हम भी ये जानना चाहते हैं कि अंजलि अरोड़ा क्या चीज का इन्फ्लुएंसर है, झुंड का कि आगे वाला झुंड का। मैम, दुनिया में बहुत से लोग हैं, सबके पास फोन भी है, सबके पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि वो एक रील बना के पोस्ट कर सकते हैं, पर लोग मुझे ही फॉलो क्यों करते हैं? शायद इसका जवाब नहीं है मेरे पास। इसका जवाब नहीं है मेरे पास, बट शायद वो मुझे पसंद करते हैं। सबके पास एक कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्या क्या कॉन्फिडेंस? अरे मैडम, नाइट ड्रेस लगा के नाइट में दो चार ठुमके लगाने से आप में कॉन्फिडेंस आ गया। आप डरते हैं अपने फैमिली वाले से, इसलिए नाइट में वीडियो बनाती है, और आप कॉन्फिडेंस का बात कर रही है। अगर इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं तो रहने दो फिर। अरे मैडम, आपके आधे से ज्यादा फॉलोअर्स तो ठेला चलाने वाले, पंचर साटने वाले हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस शो में बहुत ज्यादा आंडू गांडू लोग हैं, जिनका नाम मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। इस शो में भी बिग बॉस जैसे स्क्रिप्टेड झगड़ा वाला सीन है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जब हाथ पांव सही सलामत है तो मुंह से क्यों फरियाना पड़ा? मुझे वो हमें बोला जाता है किसी को एक्टिंग करने के लिए यहाँ पे, प्यार के लिए। मैं हूँ एक्सप्रेसिव तो हूँ। मुझे कैसे नहीं लगेगा? नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा सर। पागल लड़के, प्लीज रो मत यार, दिस इज सो बैड, डोंट मेक मी फील बैड नाउ। 18 घंटा भी नहीं हुआ है शो को स्टार्ट हुए हुए, और भाई को प्यार हो गया है, प्यार में रो रहे हैं। टीआरपी का खेल बाबू भैया, टीआरपी का खेल। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। आई मीन मुझे जो फील हुआ, मैंने बोला, मैंने इसको बोला कि यार एक्टिंग कर रहे हो तुम। हाँ, हाथ पकड़ ले, अभी तेरा हो सकता हूँ मैं। भीड़ बहुत है इस मेले में, खो सकते पीछे छूटे साथी मुझको याद आते हैं, वरना इस दौड़ में सबसे आगे खो सकता हूँ मैं। पर एक मासूम सा बच्चा मुझे अब तक जिंदा है, छोटी छोटी बातों पर भरोसा। अभी अभी जस्ट भाई साहब रो रहे थे और अभी शायरी बोलने लगे। बताओ, रोते रोते शायरी किसके दिमाग में आता है? यार बहनचोद, सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादरचोद के बच्चे। ट्विटर अकाउंट बंद होने के बाद कंगना रनावत को एक प्रॉपर स्टेज मिल गया है बॉलीवुड को रोस्ट करने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।
जिन लोगों ने मुझसे 5 साल से बात नहीं की थी उन लोगों के फोन आ रहे हैं, गिफ्ट्स भेज रहे हैं कि भाई कंगना को पटाके रखो, कहीं अंदर जाकर हमारी पोल ना खोल दे। लोग 5 उंगलियां मिलाकर हाथ जोड़ रहे हैं, वैसे गला तो 6 उंगली वालों का भी सूख रहा है। विश्व के जेलर है करण कुंद्रा साहब। शराफत किस चिड़िया का नाम है, लगता है ये सब ये शो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जो लौंडे घर में खाना तक नहीं खा पाते थे अपने हाथ से, वो यहाँ पे जेल में चक्की पीस रहे हैं। का सजा और कठोर बनाने के लिए तुम सबको चक्की पीसना हो, चक्की पीसना हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। चलता हूँ, टेक केयर।